बरसाने की सत्य घटना है। एक सेठ जी रहते थे बरसाने में, पुत्र बहुत सारे थे, 4-5 पुत्र थे, लेकिन कन्या नहीं थी उनके। बेचारे एक दिन गए मंदिर में और श्री जी के मंदिर पर रोने लगे, बार बार आंसू बहाए। वहां पर एक संत जी बैठे थे, गोसाई जी बैठे थे। गोसाई जी ने कहा, क्यों रो रहे हो सेठ जी? भगवान का दिया सब कुछ है, दुकान मकान पुत्र है, बहुएं आ गई हैं। बोले, क्या बताऊं महाराज, सब कुछ है, घर में कन्या की कमी है, बच्ची नहीं है। अब मैं जब घर जाऊं तो वह आए, पिताजी आ गए, पिताजी खाए, पिताजी बैठे। कन्या के होने से ना घर में थोड़ा रौनक रही आती है, चहल पहल रही आती है। बोले, कन्या नहीं है इसलिए दुखी हूं। अब गोसाई जी ने कहा, बोले तुम्हारे यहाँ कोई कन्या नहीं है? कोई बात नहीं, हमारे यहाँ की जो किशोरी जी हैं वो संपूर्ण जो ये धाम है जो बरसाने, संपूर्ण बरसाने की लाडली है वो किशोरी। तुम किशोरी जी को अपनी बेटी मानना चालू कर दो, प्रारंभ कर दो, किशोरी जी निश्चित कृपा करेंगे। और उन्होंने उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, सेवा करनी है। और सेठ जी आ गए घर। अब सेठ जी ने कन्या मानना आरंभ कर दिया किशोरी जी को। अब जब भी घर में आए तो कहें लाडली किशोरी जी से कि राधा भोजन कर लो, भोजन राधा, मन से ही स्मरण करें। और जब शयन करें तो हे किशोरी जी आ जाओ सो जाओ, लाली आ जाओ सो जा। वृंदावन में बिटिया बच्ची को कहते हैं लाली। तो सेठ जी कहें लाली आ जा सो जा, लाली खा ले लाली। अब कोई भी कार्य करते तो लाली का आह्वान करते। एक दिन की घटना, सेठ जी दुकान में बैठे थे और उनके बहुओं को हर महीने में चूड़ी पहनाने आती थी एक मनिहारिन। मनिहारिन आई चूड़ी पहनाने, तो सेठ जी ने कहा कि आप चले जाओ घर और घर में बहुओं को चूड़ी पहना। घर गई और उसने चूड़ी पहनाया। हर बार तो 4 बहुओं को चूड़ी पहनाती थी और 4 बहुओं को उसने। और हमारे ब्रज में एक प्रथा है घूंघट की, वो मोड़ो ना दिखावे काहुए, किसी को मुख नहीं दिखाती माताएं वहां जल्दी। तो बड़ा सा घूंघट और चौथा हाथ जैसे ही चूड़ी से निवृत्त हुआ तो 5वां हाथ आगे आ गया। स्वयं गई मनिहारिन, इतना गोरा इतना सुंदर हाथ, मानो ऐसा लग रहा है जैसे कमल पुष्प की उस पंखुड़ी को स्पर्श कर रहे हैं, इतने कोमल मुलायम हाथ धो करके किसी। अब उसने मनिहारी ने सोचा कोई बहू होगी या कोई रिश्तेदारी होगी, और चूड़ी पहनाई और गई सेठ जी के पास। जैसे ही दुकान पर पहुंची, सेठ जी ने कहा कि मनिहारिन को पैसा दिया चूड़ी का। मनिहारिन ने हाथ जोड़ा, बोले महाराज इस बार मैंने 4 लोगों को चूड़ी नहीं पहनाई, मैंने 5 लोगों को चूड़ी पहनाई। सेठ जी ने कहा, कैसी बात करते हो, हमारे घर में केवल 4 बहुएं ही हैं, 5वां कौन आ गया? बोले महाराज कोई तो एक थी आपके घर में, मैंने उसको चूड़ी पहनाई, मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने डांट करके भगा दिया, बोले कल आना मैं घर में पूछ के कल तुमको पैसा, जो इसकी दक्षिणा होगी मैं कल तुम्हें। महाराज सेठ जी महाराज शाम को घर पहुंचे और घर पहुंच करके भोजन आदि से मृत हुए, तब उनको ध्यान आया। मनिहारिन 4 बहुओं को बुलाया, बोले बेटा इधर आओ। 4 बैठ गई। बोले क्यों, आज सबने चूड़ी पहन ली? सबने कहा हाँ पहन ली। बोले कितने लोगों ने पहुंच ली? 4 ने कहा, बोले हम 4 नहीं पहनी है। बोले मैं जानता था कि वो झूठ बोल रही है मनिहारिन, वो थोड़े से धन के लोभ में बताओ झूठ बोलने लगी, कल मैं उसको डांटूंगा। और महाराज जैसे ही रात्रि के शयन के लिए सेठ जी, हे लाडली हे किशोरी जी हे लाली आजा शयन कर, मध्य रात्रि में स्वप्न में सेठ जी के और एक तेज से रोने की आवाज आती है, कोई एक लाली एक कन्या विराजमान होकर के रो रही है। बड़े बड़े आंसुओं की जो बिंदु हैं वो कपोल को स्पर्श करते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं, जा रहे हैं। सेठ जी देख रहे हैं कि जो दर्शन करके मैं आता हूं मंदिर में जिस किशोरी जी का, वही स्वप्न में बैठ करके रो रही है। सेठ जी ने कहा, लाली चुप है जा, कहां भयो, क्या हो गया लाली, क्यों रो रही है? सेठ जी से कहने लगी, बोले मुझे बेटी मत कहो, बेटी मत क्यों? बोले अगर बेटी मानते होते तो जिस प्रकार तुमने 4 बहुओं की चूड़ी का पैसा दिया है तो तुम्हारी एक बेटी ने चूड़ी पहन लिया तो तुमने पैसा नहीं दिया, बताओ। सेठ जी रात भर रात, बोले बताओ कितनी सौभाग्यशालिनी है ये किशोरी जी की कृपा है कि हम अपने भक्ति में, हमारी भक्ति में कई बार कुछ गलती रह जाती है लेकिन वो अपनाती इतना जल्दी है लाडली, वो किशोरी जी इतना जल्दी अपनाती है, वो ठाकुर इतना जल्दी हमको और आपको अपनाता है,
हमारे जीवन में जिस वस्तु का अभाव हो, जिस संबंध का अभाव हो, वहां पर अगर पुत्र का अभाव हो तो कृष्ण को पुत्र मानना आरंभ कर दो। अगर कन्या का अभाव हो तो किशोरी जी सतत हमारी और आपकी कन्या बनने के लिए, माँ बनने के लिए, बहन बनने के लिए सदैव तैयार हैं। वो कृष्ण सकृष्ण क्वापि नो गतः, वो कृष्ण कहीं नहीं चला गया, वो आज भी राम और कृष्ण बनने के लिए तैयार है, वो कहीं नहीं गया, वो सदैव आपके हमारे मध्य में विराजमान है। रात भर सेठ जी रोए और प्रातः काल गए उस मनिहारिन का गेट खटकाए और साष्टांग प्रणाम करके प्रणति होकर के लेट करके प्रणाम किए, बोले धन्य हो, मैं इतने सालों से उसको लाली लाली कह रहा हूं, मैंने स्वप्न में ही दर्शन किए, तुमने तो कम से कम उसके हाथों का स्पर्श किया है। अबीरल आंसू बह रहे हैं, और जब उसको पता चला मनिहारिन को, मनिहारिन भी रुदन करने लगी, क्या किशोरी, ये महिमा है महाराज, ये किशोरी जी की महिमा है। तो जब संबंध में हमारे पुत्रादि नहीं हो तो हो सकता है ठाकुर जी चाहते हो कि हमको लाला बना ले। ठाकुर अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार है।